हाय गाइस, दिस इज विवेक सैनी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन वीवूज ऑटो व्लॉग्स। आज मैं आपको दो दोस्तों के बारे में बताता हूँ जो बहुत महान दोस्त हुआ करते थे, और दोनों, एक तो जो है वो बाइसिकल रिपेयर किया करता था और जो दूसरा है वो बुक सेल किया करता था। अब एक दिन क्या हुआ, जो बाइसिकल रिपेयर करता था वो गया अपनी बाइक, एक बाइक भी थी उसके पास में, वो रिपेयर कराने के लिए गया जहाँ से उसने खरीदी थी, वहाँ पर उसको सर्विस नहीं मिली और उसकी बाइक जो है वो ख़राब हो गई। ऐसे में उसने अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ में ये बात शेयर करी और उन दोनों ने डिसाइड किया कि दे विल बी मेकिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बाइक्स और उसके साथ में वो सर्विस भी प्रोवाइड करेंगे। अब ये बाइक से जो है वो स्टार्ट हुआ 1895 के आसपास, और होते होते जो है वो मोटर व्हीकल में ये लोग पहुंच गए, यानी कि फोर व्हीलर में ये लोग पहुंच गए 1905 तक। 1899 से उन लोगों ने स्टार्ट किया था। बट यस, ये स्टोरी है स्कॉडा की, किस तरीके से स्कॉडा जो है वो चेकोस्लोवाकिया में इन्वेंट हुई। ये ओनर थे उसके, और इन दोनों के ओनर का नाम है लॉरेन एंड क्लेमेंट। बहुत डिफिकल्ट था ये याद करना। एनीवे गाइस, मेरे सामने खड़ी है स्कॉडा रैपिड, और ये है तो पुरानी जनरेशन लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो है वो तब्दीली आई है इस गाड़ी के अंदर। आज बस हम यही जानने वाले हैं कि इस गाड़ी के अंदर कैसी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में ये मेरी इस टाइम हिट लिस्ट में ज़रूर रहती है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट के लिए। स्टार्ट करते हैं गाइस। मेरे चैनल पे पहली बार हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर पहली बार आए हो और साथ में गाड़ियां भी खरीदना चाहते हो मेरे कंसल्टेंसी के थ्रू, तो यू कैन जस्ट साइन इन, नीचे डाल सकते हो। दिल्ली एनसीआर के जितने भी कस्टमर्स हैं मैं उनको बेस्ट डील्स यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं। गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस सबसे पहले मैं इंजन के बारे में बता देता हूं, डायरेक्ट इंजन बे में ही आपको लेके चलता हूं। और यहां पर जो है वो आपको मिलेगा एक 1.0 लीटर का टर्बो चार्ज इंजन, जो कि एक TSI टेक्नोलॉजी है, यानी कि टर्बो स्ट्रेटिफाइड इग्निशन के ऊपर काम करता है। ये कुछ इस तरीके का इसका इंजन बे है गाइस। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो बहुत सारे एयर पॉकेट्स है, यहाँ पर भी मिलता है, यहाँ पर भी एयर पॉकेट आपको देखने को नजर आएगा। यहाँ पर जो है वो आपको ABS की यूनिट देखने को नजर आएगी, और कुछ इस तरीके से अगर आप देखोगे तो इंजन में बहुत ही सही स्ट्रक्चर्ड है। मतलब मेरा हाथ वगैरह जो है, अगर मैकेनिक जो है वो यूज़ कर रहा है तो एयर पॉकेट उसके लिए ज़्यादा होनी ज़रूरी है। पेट्रोल इंजन में ज़्यादातर जो है हम देखते हैं कि छोटा इंजन होता है तो आपके पास में एयर पॉकेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। कॉम्प्लेक्स सिचुएशन तब आ जाती है जब आप डीजल इंजन के साथ में यहाँ पर देखते हो। तो इसका जो ऊपर वाला बम्प बोनेट है ये जो है काफ़ी इंसुलेटेड है, अभी देखोगे अभी तो उसमें डस्ट है। एनीवे, ये जो इंजन है एक 1.0 लीटर का TSI इंजन है। फॉक्स वगैन इसको बहुत सारी गाड़ियों में यूज़ करता है, अभी फिलहाल वेंटो में भी यूज़ कर रहा है, पोलो में भी यूज़ कर रहा है। वेंटो एंड पोलो में तो एक 6-speed DSG यूनिट के साथ में भी आता है, बट यहाँ पर जो है वो अभी मैनुअल में ही इसको लॉन्च किया गया है। 110 PS की पावर प्रोड्यूस करता है ये, एंड 175 Nm का टॉक, जो कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है गाइस। नॉट इवन होंडा सिटी, जो नए वाली होंडा सिटी है वो भी इतना टॉर्की नेचर के साथ में नहीं आती है गाइस। सो दिस इज़ एन अमेजिंग इंजन, और मोस्ट लाइकली सितंबर तक जो है वो ये इंजन एक 6-speed या मे बी 7-speed टॉक कन्वर्टर यूनिट के साथ में स्कॉडा यहाँ पर लॉन्च करे। एनीवे, इसकी ड्राइव की तरफ चलते हैं गाइस। सबसे पहले ड्राइव करते हैं, यहाँ पर ड्राइव को देखेंगे, ड्राइव को एंजॉय करते हैं। ये एक स्टाइल वेरियंट है, और कुछ इस तरीके की इसकी की फॉब जो है वो आप यहाँ से देख पा रहे होंगे। और अभी जो है वो गाड़ी स्टार्ट थी और अचानक से बारिश होने लग गई, तो इसमें रेन सेंसिंग वाइपर भी है। ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो यहाँ पर एक्टिवेट हो गया था। शायद मैं आपको दिखा पाऊँ दोबारा, अगर गाड़ी मैं स्टार्ट करता हूँ तो देखो गाइस, ड्राइव है। ड्राइव में लगभग मैं सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करने की कोशिश करूँगा आपके साथ में। और ऑलराइट गाइस, गाड़ी को करते हैं स्टार्ट। पेट्रोल इंजन है, बहुत ही रिफाइंड इंजन है, 3-cylinder का इंजन है। ये देखो रेन सेंसिंग वाइपर जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चालू हो गए हैं, सेंस कर लिया उसने इंटेंसिटी। इसका इनिशियल पिकअप देखते हैं, पहले यहाँ से लेके जाते हैं। गाइस सुपर्ब इनिशियल पिकअप है इस गाड़ी का, मजा आ गया। मतलब मैं पहले भी आपको ये चीज कह रहा था कि ये जो इंजन है ना, 3-cylinder का भले ही हो बट इट डजंट फील्स लाइक वन। अगर मैं इस गाड़ी के इनिशियल पिकअप की बात करूं तो अमेजिंग इनिशियल पिकअप। जो इसके गियर्स हैं वो टॉल नहीं है, यानी कि शॉर्ट ही गियर है। आपको सिटी में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, थोड़ी जल्दी ही आपको क्विक जो है वो शिफ्ट करने पड़ेंगे। टॉल गियर्स नहीं है, यानी कि जो गियर रेशियोज हैं जिस तरीके से डिजाइन किए गए हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट है। गाड़ी का जो स्टेयरिंग है वो ओवर हाई स्पीड जो है ना वेट गेन कर लेता है, जिसकी वजह से आपको कंफ्यूजन नहीं होती, आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हो हाई रोड्स पे, हाईवेज पर भी। सिटी में ही आपको काफी कंफर्टेबल स्टेयरिंग व्हील जो है वो लगेगा। ऑल्दो ये जो स्टेयरिंग व्हील है ये ऑलमोस्ट सेम स्टेयरिंग व्हील है जो आप वेंटो में भी देखते हो, जो आप
यू नो फॉक्स वैगन पोलो में भी देखते हो, ये लगभग सेम ही मैकेनिक्स हैं इसके और उस वाले उसके, तो अगर इनकेस आपने फॉक्स वैगन पोलो का जो है वो ड्राइव छोड़ दिया हो या फिर आप नहीं उसको देख पाए हो तो आप यहाँ पर ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। एनीवे मुझे थोड़ा सा लंबा लगता है कि यू टर्न मारना पड़ेगा, आगे चलते हैं गाड़ी को लेके। और टर्बो की जो फिसल नॉइज है ना वो गाड़ी के अंदर तक आती है, हालांकि एक चीज मैं महसूस कर पा रहा हूँ कि जो इसका क्लच है उसमें हल्के से वाइब्रेशन जरूर हैं, और जब भी आप गाड़ी को चलाओगे हायर आरपीएम पे तो वाइब्रेशन जो है आपके पैर पे जो है वो फील होने वाले हैं। अभी मैं पेडल्स की भी यहाँ पर बात कर लेता हूँ, जो उसके पेडल्स हैं वो लगभग सही डिस्टेंसेस पे जो है वो इंजीनियर किए गए हैं, उनको उनकी मार्किंग जो है वो बिल्कुल सही जगह है दी गई है, पोजीशनिंग काफी अच्छी है, आपके पैर जो कंफ्यूज नहीं होते या फिर आपके जो एंकल है पैर के वो दोनों स्ट्राइक नहीं होते एक दूसरे से। आपको यहाँ पर एक डेड पैडल भी दिया गया ताकि आप इजीली उस पर पैर जो है वो क्रूज कंट्रोल मोड पे हो या हाईवे पे हो, जब आपको गियर शिफ्ट इतना ज्यादा नहीं करना है, क्लच को नहीं दबाना है, तब आपको यहाँ पर जो है वो आप यूज कर सकते हैं। ये जो स्टेयरिंग है ना ये मुझे कमाल का लगा गाइस, काफी अच्छे से इसमें ग्रिप दी गई है, थंब कंट्रोल आपको आपके पास में आता है, लेदरेट फिनिश के साथ में ही आ रहा है। इनफैक्ट इसके ऊपर वाले वेरियंट में कंप्लीट बॉटम प्रोफाइल के साथ में भी आते हैं, ये स्टाइल वेरियंट है, इसमें इतना ज्यादा बॉटम कट नहीं दिया गया, यानी कि फ्लैट नहीं है यहाँ पर। स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स भी जो है वो थोड़े से इनकम्प्लीट लगते हैं राइट साइड में, बाकी तो ओवरऑल जो फिट एंड फिनिश है स्टेयरिंग व्हील की वो काफी सही है। आपको यहाँ पर मार्किंग्स भी दिए गए हैं, मैंने भी जैसे कि बताया था कि थ्रेड मार्क्स भी आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, एनालॉग ही यूज किया गया है, हालांकि जो MID है वो यहाँ पर अपडेटेड इसलिए नहीं लगती क्योंकि कलर्ड MID नहीं आती, TFT MID यहाँ पर नहीं आती। आपको फ्यूल गॉज वहीं पर देखने को मिलेगा, डिस्टेंस टू MT जैसी चीजें आपको वहीं पर देखने को मिलेगी, और यहाँ पर दो बटन दिए गए हैं जिससे आप अपनी MID को जो है यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। गाइस मैं बात कर रहा था इस गाड़ी की ड्राइव के बारे में, देखो गाड़ी की जो ड्राइव है ड्राइविंग डायनामिक्स है वो सुपर्ब है, आप इसको गाड़ी को अगर चलाओगे तो काफी स्टेबल महसूस करोगे, काफी ये ओवर द हाई स्पीड जो है वो वेटलेसनेस फील नहीं कराएगी आपको कि ऐसा लगे कि आप जो है वो वेटलेस फील करने लग गए हो या गाड़ी के अंदर वेट नहीं है या वो दब के नहीं चल रही है, ये इस चीज की समस्या यहाँ पर नहीं आएगी। और जिसके सस्पेंशन है ना वो काफी इस हिसाब से डिजाइन करे गए हैं कि वो सिटी लाइफ में आपको काफी कंफर्टेबल यू नो बना के रखे, आपकी जो पोजीशन है वो इधर से उधर ना हो, और हाईवे पे जो है वो जब भी आप इस गाड़ी को लेके चलो तो ये इधर से उधर डिस्ट्रैक्ट ना हो या फिर उसके स्टेयरिंग में काफी सपोर्ट करे इसके जो सस्पेंशन है, जब आप इधर से उधर कट मार रहे हो, जब भी आप कट मारोगे आप काफी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे अपने आप को, और जब भी आप एजिंग कर रहे होंगे कॉम्प्लेक्स जगहों से भी अगर निकल रहे होंगे तो आपको पता रहेगा कि हाँ गाड़ी की इतनी डिस्टेंस है, यहाँ से मुझे कट लेना है तो मेरी गाड़ी बच जाएगी बड़े आराम से। स्टेयरिंग सुपर्ब है गाइस, सस्पेंशन यूनिट जो है वो फ्रंट एंड रियर दोनों के ही शानदार है, उसमें कोई भी ऐसा समस्या नहीं है। फीचर लोडेड थोड़ी सी कम है ये अपने कॉम्पिटिशन से, वो जरूर है। यहाँ पर हॉर्न की पिच भी जो है ना वो काफी एक्यूरेट है, और हॉर्न की पिच यहाँ से जैसे कि मैं महसूस कर पा रहा हूँ अभी सही है, और हॉर्न की जो पैड है ये भी काफी ज्यादा दूर नहीं दिया गया है जिसकी वजह से आप कंफ्यूज नहीं, आपके जो हाथ जो है वो आपको उठा के यहाँ से जो है वो रखने नहीं पड़ते, आप इजिली उनको एक्सेस कर सकते हो हॉर्न को, बीच में ही आपको स्कोडा का जो है यहाँ पर लोगो देखने को नजर आएगा। गाइस व्यू की मैं जरा बात कर लेता हूँ, इस गाड़ी का जो व्यू है वो शानदार है, ए पिलर दिया गया है काफी थिन ताकि आप यू टर्न और इधर उधर कट करते टाइम जो है वो ज्यादा आपका जो है वो व्यू ड्रॉप ना हो। पीछे का रिवर्स का जो व्यू है वो हल्का सा ऑब्स्ट्रक्ट होता है क्योंकि ये जो IRVM है थोड़ा सा छोटा मुझे लगा, और हेड रेस्टिंग्स इसमें जो है वो लेफ्ट वाला नजर आता है जिसकी वजह से व्यू जो है वो रिस्ट्रिक्ट यहाँ पर जरूर होता है इस IRVM में। ऑल्दो ये ऑटो डिमिंग IRVM है, ABS भी DVD आती है तो जब भी आप ब्रेक मारोगे तो काफी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, उस चीज में कोई भी ऐसा समस्या नहीं आती है। तो ब्रेकिंग इसकी काफी एफिशिएंट है, हाई स्पीड्स पर अगर आप पैनिक ब्रेक मार रहे हो तो पार्किंग लाइट्स या हैजार्ड लाइट जो है वो ऑन हो जाती हैं। ये फीचर भी इसमें सच दी गई है, और यहाँ पर थोड़ा सा क्रूज करते हैं, अभी काफी जो है मौसम भी काफी सुहावना हो रहा है, और ऐसे में ये गाड़ी मिल जाए तो 175 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो अमेजिंग लगता है। हालांकि ये जो वाइब्रेशन है ना क्लच में ये थोड़ा सा मुझे इरिटेट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये वाइब्रेशन जरूर आप देखोगे क्लच में। क्लच का प्ले ऑल दो काफी सही है, काफी काफी सही क्लच प्ले दिया गया, आप ज्यादा आप उसको दबाओगे तो बहुत ज्यादा डीप नहीं जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट जाता है, अगर आपकी हाइट कम भी है तो आपको ऐसा मशक्कत नहीं होगी।
टर्बो लैग इस गाड़ी में नहीं है, हालांकि ये टर्बो इंस्पायर्ड ही है, बट टर्बो लैग की समस्या नहीं है। इनफैक्ट इनिशियल आरपीएम पे भी आपको ऐसा महसूस नहीं होगा कि मेरे को रेव ज़्यादा करना पड़ रहा है या फिर मुझे मेरे को आरपीएम्स की जो है वो कमी यहाँ पर महसूस हो रही है, ऐसा नहीं है। टर्बो जो है वो इनिशियल आरपीएम से ही बिल्कुल रेडी रहेगा आपके लिए पावर थ्रो करने के लिए, टॉर्क डिलीवर करने के लिए। जब मैं पीछे बैठा हुआ था, जब मैं पीछे का कंफर्ट नाप रहा था, तब भी मुझे पीछे का कंफर्ट काफ़ी सही लगा, और जिस हिसाब से मैं उस टाइम बैठा हुआ था उस हिसाब से ड्राइविंग प्लेजर मुझे काफ़ी मिल रहा था। कंफर्टेबल राइड्स एटलीस्ट इस गाड़ी की है। एयर कंडीशनिंग यूनिट की मैं यहाँ पर बात करना भूल गया, एयर कंडीशनिंग यूनिट इज सुपर्ब गाइस, चिल कर देती है आगे और पीछे दोनों साइड ही। वो समस्या यहाँ पर आपके साथ में कभी भी नहीं आएगी कि एसी जो है वो गर्मियों में इतना ज़्यादा काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं है। और लगभग 45-50 डिग्री के आसपास भी जो है वो डिसेंटली कूल ये एसी जो है वो करेगा। गाड़ी के अंदर जो विंड नॉइज़ है वो नहीं आती है यहाँ पर, इनफैक्ट टायर नॉइज़ भी नहीं है, और इंजन के जो NVHs हैं वो काफ़ी कंट्रोल्ड है। मतलब आप तकरीबन इस गाड़ी को जब चलाओगे 2500 RPM के बाद में तब आने स्टार्ट होते हैं हल्के से, और जब आप 3500 RPM के बाद जाओगे तब हल्का सा लाउड ही होने लग जाता है, लेकिन वो लाउडनेस जो है वो आपको और इंस्पायर करेगी गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। वो इरिटेटिंग नहीं है, यानी कि हार्शनेस जिसे कहते हैं ना वो नहीं है यहाँ पर, वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी रिफाइंड इंजन है, उस चीज़ में कोई भी समस्या है सच नहीं है गाइस। तुरंत पिक करती है क्योंकि काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ टॉर्क जो है वो यहाँ पर आपको मिलता है। ORVM का व्यू भी काफ़ी अच्छा है क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया जो है वो काफ़ी सही है ORVM का, और मेरे को काफ़ी अच्छा व्यू देता है। गियर शिफ्ट जो है वो काफ़ी शॉर्ट है गाइस, और आप देखोगे कि उनका प्ले बहुत ज़्यादा नहीं है, काफ़ी छोटा सा ही प्ले जो है वो यहाँ पर रखा गया है। ओवरऑल एक बेहतरीन ड्राइव गाइस आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेगी, एक काफ़ी पंची और टॉर्की इंजन के साथ में ये गाड़ी आती है। तो जो लोग ड्राइव एंथुजियास्ट हैं, जिन लोगों को शायद फीचर्स इतना ज़्यादा मैटर ना करती हो और एक बेहतरीन इंजन उनके लिए जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट उन लोगों के लिए हो सकती है। सो गाइज, अब डिज़ाइन के बारे में गाइज बात कर लेते हैं। मैं जानता हूँ आप सभी की ये शिकायत रहती है Volkswagen ग्रुप से, स्कॉडा ग्रुप से, कि डिज़ाइन अपग्रेड नहीं करते हैं। फिलहाल जो है वो हल्के फुल्के ट्वीट्स के साथ में आए हैं, बहुत सारे ट्वीट्स आप यहाँ पर देखोगे। तो डिज़ाइन ऐसा नहीं है कि अब आउटडेटेड लग रही हो, मतलब ठीक है, इट्स अप टू द ट्रेंड। अभी तक जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो इसके लुक्स में आपको यहाँ पर देखने को नज़र आएगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हेडलाइट यूनिट जो है वो इसमें DRL देखने को आपको नजर आएगा। फिलहाल जो है वो LED DRL जल भी रहे हैं गाइस, ये पूरा ब्लैक एंड किया गया है पोर्शन, तो ये मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट बन चुका है। ये काफी ब्लैक एंड किया गया है, ऊपर जो ये आईब्रो लाइन है ये भी ब्लैक एंड की गई है। अगर यहाँ पे प्रोजेक्टर पे देखोगे तो इसके ऊपर भी आपको आईब्रो नजर आएगा सिल्वरिश ट्रीटमेंट के साथ में, एंड एक जो है वो आपको हाईलाइट्स भी नजर आएंगे। हालांकि हाईलाइट जो है, हाई बीम जो है वो आपको यहाँ पर हेलोजन ही मिलेगी। यहाँ पे टर्न इंडिकेटर, हल्की फुल्की नर्लिंग भी यहाँ पर की गई है, आप देखोगे बहुत ही सही लग रही है इसकी अभी जो हेडलाइट यूनिट है। थोड़ा सा अगर आप मैं नीचे बंपर की तरफ अगर आपको लेके चलूं तो यहाँ पर बहुत बड़ी सी फॉग लैंप नजर आने वाली है। ये जो फॉग लैंप है काफी बड़ी डिजाइन की है, ब्लैक कलर की इसकी हाउसिंग है एंड बहुत ही प्रॉपर एंड फिट है। यहाँ पर भी आप छोटे मोटे कर्व्स देखोगे, कट्स देखोगे, बहुत ही अपील जो है वो गाड़ी की यहाँ पर बना रही है। यहाँ पर एक टोइंग हुक आपको देखने को नजर आएगा गाइस। अगर देखो मैं इस गाड़ी की यहाँ पर ग्रिल पे, ग्रिल की अगर मैं बात करूं तो ये जो ग्रिल है ना गाइस, ये भी आपको क्रोम एलिमेंट के साथ में ही नजर आने वाली है। काफी सही ये क्रोम एलिमेंट यहाँ पर देखने को नजर आएगा, और ये जो ग्रिल है आप इस एंगल से देखो, बहुत सारे स्लैंट्स इसके अंदर दिए गए हैं। स्कोडा की यहाँ पर जो है वो लोगो देखने को नजर आएगा, ये यहाँ पर स्कोडा का लोगो एंड कैरेक्टर लाइंस आपको ऑल अक्रॉस द बोनट देखने को नजर आने वाले हैं। यहाँ पर बोनट में बहुत सारे कैरेक्टर लाइंस हैं, 4 कैरेक्टर लाइंस स्पेसिफिकली। और अगर मैं आपको थोड़ा सा नीचे लेके चलूं, यानी कि अगर मैं एयर डैम की बात करूं तो यहाँ पर हनीकॉम स्ट्रक्चर्स दिए गए हैं गाइस। काफी बड़ा सा इसका जो है वो हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड आपको एयर डैम नजर आएगा। स्कर्टिंग एज सच कुछ नहीं है, बट देयर इज सफिशियंट जो है वो यहाँ पर आपको ग्राउंड क्लीयरेंस देखने को नजर आएगी। गाइस एक चीज और है, जब मैं स्कोडा या Volkswagen ग्रुप की बात करता हूँ वो इंजन प्रोटेक्शन देते हैं, बट इस गाड़ी के अंदर एज सच कोई इंजन प्रोटेक्शन नहीं आता है। काफी खाली खाली सा आपको जो है वो यहाँ पर लगने वाला है गाइस। सो ओवरऑल अगर मैं डिजाइन की बात करूँ यहाँ पर तो अच्छा लग रहा है फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पर भी आप देखोगे तो वाइपर काफी ब्रॉड दिए गए हैं, और वाइपर जो है वो काफी ब्रॉड आप यहाँ पर देख सकते हो। साथ ही थ्रो ये देखिए, यहाँ पर जो है वो आपको जेट भी दिए गए हैं वाइपर के, तो ये काफ़ी अच्छा थ्रो यहाँ पर ऑल अक्रॉस द विंडशील्ड आपको देते हुए नज़र आएंगे। यहाँ पर रेन सेंसिंग वाइपर भी आपको देखने को नज़र आ रहा होगा, और यहाँ पर एक कैविटी दी गई है ताकि जो डेब्रिस है, यानी कि डस्ट मटेरियल है या लीव्स हैं, ड्राई लीव्स वगैरह जो आप गाड़ी के पास में खड़ी करते हो, तो वो इंजन बे तक ना जाए, ऐसा
उन्होंने इंतजाम किया हुआ है कि आगे इंजन बे तक एक्चुअली ना घुसे। एनीवे गाइस, साइड प्रोफाइल की तरफ चलते हैं, यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या क्या चीजें हैं। गाइस इस टाइम जो है हम लोग डायमेंशंस की बात कर लेते हैं। गाइस देखो, ये गाड़ी जो है वो काफी बड़ी आपको देखने को नजर आएगी। होंडा सिटी को कम्पीट कर रही है, इस टाइम वेन्यू को कम्पीट कर रही है, यहाँ पर सियाज को कम्पीट कर रही है, ऐसे ऐसे दिग्गजों को यहाँ पर कम्पीट कर रही है। 4413 की मिलीमीटर की जो है वो इसकी लेंथ है यहाँ पर, और तकरीबन 1699 की जो है वो आपको विड्थ देखने को नजर आएगी। हालांकि ये जो विंडो एरिया है ना, ये बहुत बड़ा सा विंडो एरिया है एंड काफ़ी टिंटेड है। अगर आप देखोगे तो ये टिंटेड है, अंदर तक धूप नहीं जाती है जैसे कि आप और भी गाड़ियों में देखते हो। तो ये फीचर मुझे काफ़ी सही लगी कि एटलीस्ट टिंट उन्होंने दे दी, एंड बिकॉज इंडिया में जो है वो आप अभी इस टाइम टिंट अगर आप एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट कराओगे तो वो इलीगल, आपको पता है, क्योंकि वो रिमूवेबल होती हैं। बट ये क्योंकि ग्लास के अंदर ही इंटीग्रेट कराई गई है तो इट इज़ अ बेटर फीचर। अगर मैं इस तरफ से राइट से लेफ्ट की तरफ लेके चलूँ तो यहाँ पर आप देखोगे फेंडर पर भी शोल्डर लाइनिंग है, व्हील आर्च जो है वो काफ़ी बड़ा सा दिया गया है, एंड अलॉय व्हील यहाँ पर जो है वो इस वेरिएंट में आपको इस तरीके का मिलता है। हालांकि यहाँ पर डुअल कट या फिर मशीन कट जो है वो वाले अलॉय व्हील्स भी देखने को नजर आते हैं। 195/55 रेडियल 16 इंचेस के ये प्रोफाइल्स हैं, एंड MRF ZVTS के टायर्स हैं। बहुत ज़्यादा ट्रैवल आपको देखने को नजर नहीं आएगा, काफ़ी कम ट्रैवल है। सेडान है ऑब्वियसली, सो सेडान आर मोर फेमस फॉर देयर ड्राइव। वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। मैकफर्सन स्ट्रट आपको फ्रंट में मिलता है, यहाँ पर भी प्लास्टिक का जो है वो यूज़ किया गया है। एक चीज़ अच्छी लगी, हमेशा से मैं बोलता हूँ कि जो है वो अपनी फिट एंड फिनिश हो या बिल्ड क्वालिटी हो, उसको लेके काफ़ी फेमस है और वो हमेशा से इस चीज़ को जो है वो ध्यान रखती है। यहाँ पर देखो बिल्कुल सीधा मेरा हाथ जाता है, कोई भी अप्स एंड डाउन्स नहीं है, क्योंकि ये ऐसे पार्ट है ना जिसके साथ में एक्चुअली अगर आप देखो तो एरर्स ज़रूर आ जाते हैं, प्रिसिजन ज़रूर आ जाते हैं, तो वो यहाँ पर एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ORVM अगर आप देखो तो इसमें भी टर्न इंडिकेटर दिया गया है LED के साथ में। अगर थोड़ा सा और मैं अगर आपको साइड में लेके चलूँ तो यहाँ पर जो है वो क्रोम हैंडल बार आपको देखने को नजर आएंगे बॉडी कलर के साथ में ही। पियानो फिनिशिंग आपको बी पिलर पर भी नजर आती है, एंड ये पीछे तक होते हुए जा रही है गाइस। यहाँ पर जो है वो आप फिर से क्रोम बार देखोगे, और इसके प्रोटेक्शन के लिए जो है वो क्रोम का ही यूज़ किया गया है, कोई भी प्लास्टिक क्लैडिंग एज सच नहीं यूज़ की गई है। अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर लेके चलूँ ना तो ये वाला पार्ट एक्चुअली ज़्यादा मोर प्रोन होता है रस्ट के लिए, उसकी वजह से यहाँ पर मेरे ख्याल में ये गैल्वेनाइज की गई है या फिर एक और एक्स्ट्रा लेयर ऐसे मटेरियल की लगाई गई है जो एंटी रस्ट है। आई एम नॉट श्योर इफ दिस इज गैल्वेनाइज्ड और नॉट। अगर किसी को पता है कि ये एक्चुअली है क्या तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। काफ़ी रफ इसको रखा गया है ताकि ये अगर नीचे से कहीं घिसे भी तो ये एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो निकले ना। यहाँ पर पीछे भी कुछ इसी तरीके का आप जो है वो टायर देखोगे, सेम साइज़ का टायर साइज़ है। बाय द वे ये स्टाइल वेरिएंट है, यानी कि ये टॉप वेरिएंट से एक छोटे वाला वेरिएंट है, एंड कुछ इस तरीके की साइड प्रोफाइल। ऊपर किसी प्रकार का आपको सनरूफ इस वेरिएंट में नहीं मिलता है, ऑल्दो किसी भी वेरिएंट में नहीं मिलता है यहाँ पे। गाइस यहाँ पर 5 वेरिएंट्स में जो है ये गाड़ी आती है। सबसे पहला वेरिएंट है राइडर, फिर यहाँ पर आता है एम्बिशन, फिर ऑनिक्स, फिर स्टाइल, एंड लास्ट में मोंटे कार्लो। प्राइसिंग भी आपके साथ में शेयर कर देता हूँ, 7.49 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है एंड गोइंग अप टू 11.79 लाख रुपीज़ जो कि मोंटे कार्लो वेरिएंट है। यानी ये प्राइस ब्रैकेट आप देख रहे हो, बहुत ही सॉर्टेड प्राइस ब्रैकेट रखा हुआ है। यानी कि आप अगर इसका पहला वेरिएंट खरीदोगे तो 7.5 लाख का, इससे नेक्स्ट वाला वेरिएंट खरीदोगे तो 9.99 लाख रुपीज़ का है, एंड तकरीबन 1.5 लाख में, अगले 1.5 लाख में 3 वेरिएंट यहां पर फिट अप कर दिए हैं, जो कि अमेजिंग है। और मेरे ख्याल में प्राइसिंग इज सुपर्ब, इट कैन रियली बी नॉट मैच्ड विद कार्स ऑफ दिस सेगमेंट। तो अगर आप एक वैल्यू फॉर मनी गाड़ी खरीदना चाहते हो मेरे ख्याल में यू शुड कंसिडर दिस वन बाइंग। चलो रियर प्रोफाइल भी मैं आपको यहाँ पर गाइस दिखाई देता हूँ, और रियर प्रोफाइल में जो है एक छोटा सा स्पॉयलर दिया गया है जो कि वाइट कलर का ही है। मेरे ख्याल में एसेसरी का पार्ट भी है और आप बाहर से भी इसको खरीद सकते हो। नीचे अगर मैं यहाँ पर टेल लैम्प यूनिट की बात करूँ, ये कम्प्लीटली हैलोजन ही है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको LEDs यहाँ पर यूज़ होते हुए नजर आएंगे। बल्ब के सेक्शंस भी दिए गए हैं और टर्न इंडिकेटर, और साथ ही साथ यहाँ पर रिवर्स पार्किंग रिवर्स लाइट्स भी नजर आएंगे, रिफ्लेक्टर आपको यहाँ पर। इसके नीचे की तरफ चलता हूँ तो यहाँ पर भी क्रीसिंग्स बहुत सारी दी गई हैं, डिफ्यूज़र छोटा सा दिया गया है, ऑल्दो वी कैन नॉट सी कॉल इट अ प्रॉपर डिफ्यूज़र, बट एनी वे पार्किंग कैमरा पार्किंग सेंसर जो है वो 3 यहाँ पर ऑफर करती है स्कॉडा, साथ ही एक पार्किंग कैमरा भी आपको यहाँ पर जो है वो नीटली हाइड होता हुआ नजर आएगा। क्रोम की लाइनिंग आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगी, एंड कुछ
कैरेक्टर लाइंस आपको जो है वो ऑल अक्रॉस द बम्पर देखने को नजर आने वाले हैं। स्टॉप लैंप्स जो है वो हाई नहीं है, वो थोड़ा सा सेंटर ही है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। डिफॉगर यूनिट भी आपको यहाँ पर देखने को नजर आएगी, एंड ये वाली यूनिट जो है वो सेंटर एंटेना कहलाती है, यानी कि शार्क फिन इस वेरियंट में एक्चुअल में नहीं आता है गाइस। सो कुछ इस तरीके का इसका जो है वो डिज़ाइन था यहाँ पर, और इस तरीके के कुछ स्कॉडा ने जो है वो यहाँ पर इसको प्लांट किया इस बार। मेरे ख्याल में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये, और आप इसको ज़रूर पेट्रोल में कंसिडर कर सकते हो। मेरे पास में सच में इंक्वायरीज इसकी आई हैं, और इंक्वायरीज ऐसी आई हैं कि आप अगर यू नो जब भी आप वैल्यू फॉर मनी की बात करते हो, क्योंकि बजट बहुत से लोगों का 8-8.5 लाख तक का सीमित रह जाता है, तो ये 8.5 लाख के आसपास जो है वो ऑन रोड पड़ जाती है फिलहाल। और अगर आपको चाहिए इसके ऊपर बेस्ट डील, तो आप नीचे कमेंट, नीचे जो है वो गूगल फॉर्म दिया गया है उसको भरना मत भूलेगा, क्योंकि मैं दिल्ली एनसीआर में इसकी बेस्ट डील आप तक यहाँ पर ऑफर कर सकता हूँ। एंड अगर आप दिल्ली एनसीआर के आसपास भी रहते हो, कुछ 100-150 किलोमीटर के आसपास, तब भी आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन डील यहाँ पर वेट कर रही है। एनीवे गाइस, अब इंटीरियर्स की जरा बात करते हैं, बहुत हो गया बाहर की बातें, अब इंटीरियर्स को जरा चेकआउट करते हैं। इंटीरियर्स चेकआउट करते हैं, फिर इंग्रेस करेंगे। सब चीज़ें आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है इस गाड़ी के बारे में। सो यहाँ पर आप देखिए, ये जो इंटीरियर है या फिर ये वाला डोर पैनल है, यहाँ पर आप देखोगे तो डुअल टोन ट्रीटमेंट नजर आएगी। प्लास्टिक क्वालिटी इज रियली नाइस यार, मतलब प्लास्टिक क्वालिटी को लेके कभी भी फॉक्सवैगन स्कॉडा ग्रुप के साथ में मुझे कभी शिकायत नहीं हुई। ये देखिए यहाँ पर भी आप जो है वो क्रोम फिनिशिंग देखोगे, ORVM के कंट्रोल्स यहीं पर ऑफर किया गया। यहाँ पर भी जो है वो लॉक अनलॉक के बटन्स दिए गए हैं, एंड विंडो के कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। बूट गेट जो है वो यहाँ पर एक्चुअली दिया गया है, आपको एक स्पीकर का सेट यहाँ पर मिलेगा, बॉटल होल्डर्स एंड मैगजीन होल्डर्स आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। गाइज देखो, सेडान में कभी भी जो है ना गाड़ी को इंग्रेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती, मुझे भी नहीं आई। और अगर आपकी हाइट छोटी है, आपके घर में कुछ ऐसे लोग हैं जो यू नो ओल्ड एज हैं, उनके लिए गाड़ी में कभी भी इंग्रेस करना एंड ईग्रेस करना कोई मशक्कत नहीं होगी। बेझिझक आप इस गाड़ी को यहाँ पर खरीद सकते हैं, एटलीस्ट इस पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसी स्पेस है वो एक अलग मुद्दा है, उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ कंट्रोल्स हैं, जैसे कि हेडलाइट लेवलर, आप हमेशा इसी साइड देखते हो हेडलाइट लेवलर, एंड यहाँ पर कुछ लाइट्स के कंट्रोल हैं, जैसे कि आप ऑटो पे डालना चाहते हो या फिर DRLs एंड ये फॉग लैंप्स जो है वो आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हो। तो अलग अलग तरीके से जो है वो ये स्विचेस दिए गए हैं, इनकी फिट एंड फिनिश या फिर इनकी फंक्शनिंग काफ़ी अच्छी है। क्रोम की फिनिशिंग यहाँ पर भी दी गई है। की फॉब जो है वो कुछ इस तरीके की इस गाड़ी की यहाँ पर देखने को नज़र आएगी, और 3 बटन हैं, लॉक अनलॉक, और बीच में जो है वो बूट गेट दिया गया है। फ्लिपेबल ये की फॉब है, और यहाँ पर जो है वो की होल दिया गया है। यहाँ पर वाइपर्स के कंट्रोल, और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो स्टेयरिंग के कंट्रोल आपको यहाँ पर देखने को नजर आएंगे। ये जो स्टेयरिंग के कंट्रोल है ना, वो एक्चुअल में एक ही साइड दिया गया है, तो ये थोड़ी सी कंप्लेन है यार। राइट साइड में भी ये होने चाहिए थे, या कुछ और बटन्स यहाँ पर आ जाने चाहिए थे। ऑल दो ये क्रूज कंट्रोल के साथ में गाड़ी जो है वो आती है, और यहाँ पर क्रोम की फिनिशिंग दी गई है। यहाँ पर भी आप देखोगे क्रोम का बहुत बेहतरीन यूज़ किया गया है। ये रैक एंड रीच दोनों ही हैं, यानी कि आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग इस को। अब इंटीरियर्स की तरफ चलते हैं, और इस तरफ का आपको मैं जो है वो पार्ट दिखाने वाला हूं। गाइस हम लोग इंटीरियर के और सेक्शन के बारे में यहां पर बात कर लेता हूं। सबसे मेजर बात होती है प्लास्टिक क्वालिटी, मुझे सच में इसकी प्लास्टिक क्वालिटी से कोई भी शिकायत नहीं है, और नल्डिंग यहां पर की गई है। पूरे इस डिपार्टमेंट को जरूर मैं यहां पर कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा या थैंक्स कहूंगा कि उन्होंने प्लास्टिक क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। यहाँ पर भी नर्लिंग की गई है, ताकि आपके स्क्रैचेस वगैरह जो है वो कहीं पर भी आए ना, या फिर ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम या एज के साथ में जो है वो पुरानी ना होती चली जाए, एटलीस्ट प्लास्टिक। तो 2011 में ये वेरियंट आया था, और कुछ इसी तरीके के इंटीरियर से और अभी भी यही चलते हुए आ रहे हैं। AC वेंट्स के ऊपर जो है वो सरफेसिंग की गई, यानी कि हाईलाइट्स दिए गए हैं। नीचे भी अगर आप इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को देखोगे, इंफोटेनमेंट सिस्टम को देखोगे, तो वो भी कुछ अच्छे खासे टच रिस्पांस के साथ में आते हैं। मैं यहाँ पर इसको ऑन कर लेता हूँ। अच्छी वीडियो ऑडियो क्वालिटी इसकी भी यहाँ पर आप देखोगे। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जैसे फीचर्स हैं, बट दिस इज़ नॉट द मोस्ट फीचरिस्टिक इंफोटेनमेंट ऑफ दिस सेगमेंट, यानी कि इसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी या फिर कोई भी कनेक्टेड फीचर एज सच नहीं आते हैं गाइस। सो यहाँ पर देखोगे आप SD कार्ड होल्डर है, यहाँ पर जो है वो USB केवल एक ही जगह दिया गया है, एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई आपको यहाँ पर ज़रूर मिल जाता है। ऑक्स का बटन यहाँ पर दिया गया है, और ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, ये आप ज़रूर देखोगे। तो इनके बटन जो है वो काफ़ी अच्छे हैं, एर्गोनॉमिक्स की जो बात होती है वो काफ़ी अच्छी है, मतलब उसमें समस्या नहीं है, बहुत ही ईजिली आप इसको एक्सेस कर सकते हो। लगता है कि आप किसी प्रीमियम ब्रांड में एक्चुअली बैठे हुए हो। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आपको कप होल्डर देखने को नजर आएंगे, जिनको आप फ्लैप कर सकते हो, और यहाँ पर जो है वो गियर
लीवर जो है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है, लेदर 8 टच के साथ में, एक छोटी सी कैविटी यहाँ पर, ये हैंड ब्रेक दिया गया है यहाँ पे, यानी कि पार्किंग ब्रेक, और यहाँ पर जो है वो आर्मरेस्ट आपको देखने को नज़र आएगा। यहाँ पर भी एक छोटी सी कैविटी देखने को नज़र आएगी, लेकिन ये आर्मरेस्ट जो है वो काफ़ी क्यूट सा आर्मरेस्ट है। ग्लव बॉक्स देख लेते हैं गाइस, ग्लव बॉक्स का डिज़ाइन कुछ इस तरीके का है, आप यहाँ पर जो है वो अपने सनग्लासेस निकाल कर कुछ इस तरीके से रख सकते हैं यहाँ पर, और कूल ग्लव बॉक्स है, आपको कैविटी काफ़ी अच्छी खासी मिल जाएगी, इल्यूमिनेशन भी इनफैक्ट यहाँ पर दी गई है, तो ग्लव बॉक्स को लेके कोई भी ऐसा शिकायत नहीं है। देखो फ्रंट की जो रो है ना, वहाँ पर प्रैक्टिकलिटी काफ़ी सही है, बहुत सारे सामान आप यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ पर भी डैशबोर्ड को भी एक्चुअली यूज़ कर सकते हो, IRVM जो है वो ऑटो IRVM है, ऑटो डिमिंग IRVM है, यहाँ पर आप देखोगे लाइट्स एक्चुअली दी गई है, रीडिंग लैंप्स दोनों तरफ दी गई हैं जिनको मैं ऑफ भी कर सकता हूँ। सन वाइजर जो है वो एक कार्ड होल्डर के साथ में आता है, सैडली यहाँ पर कोई भी मिरर नहीं है, एंड एक मिरर यहाँ पर आता है, बट कोई भी किसी भी प्रकार की लाइट एज सच यहाँ पर ऑफर नहीं होती। ग्रैब हैंडल को ड्राइवर साइड ही मिलेगा, ड्राइवर साइड कोई भी एज सच नहीं है। और देखो ये जो सीट्स है ना, काफ़ी कुशनी सीट्स हैं, और मैं इनकी लेदर के साथ में काफ़ी खुश हूँ, ये जो लेदर रेट अपॉल्स्ट्री है इसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी है, डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में ये गाड़ी आती है, एंड ये बेज कलर के जो है इसके सीट्स हैं, बेज ही कलर का इंटीरियर आप यहाँ पर देखोगे, एंड ये जगड़ लेती है मुझे, तो ओवर हाई स्पीड्स भी जो है, या फिर मैं इनफैक्ट अगर गाड़ी को बम्पी रोड पर भी चला रहा हूँ तो ये मुझे जगड़ के रखती है, सीट बेल्ट भी जो है प्रॉपरली फिट होती है यहाँ पर, और यहाँ पर आर्म ये जो हेड रेस्ट है ये भी बहुत ही अच्छी पोजीशनिंग के साथ में आती है। तो कंफर्ट अगर मैं फ्रंट की बात करूं तो कंफर्ट में ऐसा कोई प्रॉब्लम यहां पर महसूस नहीं होती है गाइस। पीछे वाली रो में चलते हैं, वहां गाइस चेकआउट करते हैं कि कैसी स्पेस है, क्या क्या चीजें एक्चुअली में वहां यहां पर दी गई है। चलिए गाइस पीछे चलते, ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका इंग्रेस है, एंड मैंने अपने हिसाब से जो है वो यहाँ पर सीट जो है वो एडजस्ट की हुई थी, तो एक ठीक है डिसेंट अमाउंट का आपको लेग रूम यहाँ पर मिलता है जो कि सफिशिएंट है मेरे जैसे 5'10" के आदमियों के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज़ क्वाइट ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, रिक्लाइनेबल एंगल भी मेरा जो है काफ़ी सही है, इवन हेडरूम भी डिसेंट है, नॉट दी बेस्ट, ऑब्वियसली यार सेडान है तो ये इनकी रूफ लाइन जो है वो नीचे कुछ कूपे स्ट्रक्चर में आ जाती है पीछे, जिसकी वजह से हेडरूम जो है वो हमेशा हर एक सेडान में थोड़ा सा अटकता है, तो यहाँ पर ओके मिल रहा है मुझे, मतलब मेरे जैसे लोगों को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 6 से ऊपर को ज़रूर थोड़ी सी समस्या आ सकती है। हेड रिस्टेंस जो है वो बिल्कुल सही पोजीशनिंग पे हैं, और डुअल हेड रिस्टेंस दिए गए हैं, दोनों एडजस्टेबल है। यहाँ पर अगर मैं आर्मरेस्ट की बात करूँ तो काफ़ी ब्रॉड सा आर्मरेस्ट है, मेरे ख्याल में ये इस सेगमेंट में सबसे ब्रॉड आर्मरेस्ट होगा, लेकिन किसी प्रकार के कप होल्डर्स ऐसे सच नहीं है, एंड काफ़ी थिन है ये, देख रहे हो आप, कॉम्पिटिशन के हिसाब से थोड़ा सा थिन यहाँ पर दिया गया है। अगर मैं और स्पेसिंग की बात करूँ यहाँ पर, तो फ्लोर हम्प जो है वो काफ़ी बड़ा सा है, इसको कहते हैं फ्लोर हम्प, और ये काफ़ी बड़ा सा है, एंड हमेशा से इस गाड़ी के साथ में या फिर स्कॉडा की जितनी भी गाड़ियाँ, थोड़ा सा फ्लोर हम्प उनका ज़्यादा रहता ही है, तो यहाँ पर अगर जो बंदा बीच में बैठा हुआ है उसके लिए थोड़ी सी मशक्कत ज़रूर हो सकती है, क्योंकि उसको पैर थोड़े से यहाँ पर फैलाने पड़ जाते हैं। आप देखोगे यहाँ पर ग्रैब हैंडल दिया गया है, एक ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर मिलता है, यहाँ पर भी रीडिंग लाइट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके से दी गई है, और स्विच दिया गया है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग शायद ही हो सकता है कि आपको मोड्स एक्चुअली ज़्यादा मिल जाते हैं इस स्विच की वजह से, कि आपको एक लाइट जलानी है या दोनों लाइट जलानी है डोर वाली, या आपको दोनों एक्टिव रखनी है या फिर केवल राइट साइड की जलानी है, तो मोड्स का आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं। और ओवरऑल अंदर जो है वो रूम ओके है, प्रिटी नाइस है, नीटली पैक्ड है, एसी वेंट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं जो कि अच्छी चीज़ है एक्चुअल में, एंड यहाँ पर जो है वो आप एक बॉटल रख सकते हैं, साथ ही 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई भी आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाता है। ये सीट जो है ना वो आप देखोगे थोड़ी सी स्कूप्ड आउट है, जिसकी वजह से आप का लेग रूम जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। यहाँ पर एक जो है वो होल्डर दिया गया है जिसमें आप सामान वगैरह अपना टाई कर सकते हो, एंड सीट एडजस्टेबल जो है वो सीट बेल्ट आपको यहाँ पर ऑफर होती हैं। एसेसरी का पार्ट ही है ये इट इज़ नॉट द कि आपको यहीं पर साथ में ही इसको मिल जाए, तो ये एसेसरी का पार्ट है जो सनवाइजर्स हैं, इवन क्वार्टर पैनल का भी एक सनवाइजर यहाँ पर जो है वो दिया गया है। सो यस, अंदर जो है वो काफ़ी चीज़ें कूल हैं, और नई जनरेशन अगर होंडा स्कॉडा
अगर नई जनरेशन अगर स्कोडा रैपिड की बात करें तो चांसेस है कि शायद वो अगले साल तक या शायद अगले साल के एंड तक इंडिया में आ जाए. अनवील फिलहाल जो है वो कुछ टाइम पहले उसको किया गया था जो इंटरनेशनल स्कोडा रैपिड है. एनीवे बूट ज़रा चेकआउट करते हैं, इसकी बूट कैसी है गाइज. गाइज देखो अगर सेफ्टी की बात करें ना तो फॉक्सवैगन स्कोडा ये दो ग्रुप ऐसे हैं जो अपनी बिल्ड क्वालिटी के लिए काफ़ी फेमस है, अपनी ड्राइव के लिए काफ़ी फेमस है, रिलायबल प्रोडक्ट के लिए काफ़ी फेमस है. ऐसे में आपको 4 एयरबैग्स इसमें मिलते हैं, एबिस VDBD आइसोफिक्स जैसी टेक्नोलॉजी मिल जाती है. गाइज कुछ फीचर्स भी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ, जिसमें से ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स, ऑटोमेटिक रेन सेंसिंग वाइपर्स, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर आपको जो है वो क्रूज कंट्रोल जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, कूल्ड ग्लव बॉक्स जैसे ऑप्शंस मिल जाते हैं, पर बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी भी मिसिंग हैं, जिनमें से आप देखते हो वेंटिलेटेड सीट्स, आप देखते हो स्मार्ट चार्जिंग, आप देखते हो कनेक्टेड फीचर्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिक अब जो है वो सेडान में आने लग गई हैं, जिनमें वेन्यू एक मेजर कंपटीशन है, होंडा सिटी एक मेजर कंपटीशन है. तो गाइज इसका फ्यूल लिड जो है वो राइट साइड में दिया गया है और जर्मन्स की तरह, तो यहाँ पर भी राइट साइड में आपको फ्यूल लिड नज़र आएगा. एंड बूट स्पेस जो है वो मैं ज़रा यहाँ पर चेकआउट करवा देता हूँ. 460 लीटर का ये बूट स्पेस है, किस तरीके से बनाया गया है वो ज़रा मैं यहाँ पर चेकआउट करवा देता हूँ. यहाँ पर आपको जो है वो एक रिक्वेस्ट बटन नज़र आने वाला है. सो ये देखिए कुछ इस तरीके का इसका बूट है, ये 460 लीटर का बूट है. यहाँ पर भी थोड़ा जो है वो नर्लिंग की गई है ताकि जब भी आप सूटकेस उतारो तो ये प्लास्टिक जो है वो स्पॉइल ना हो, ख़राब ना हो, इस पर स्क्रैचेस इतनी जल्दी ना आ जाए. यहाँ पर चारों तरफ जो है वो कवरिंग की गई है, पैडिंग की गई है ताकि कोई भी सेक्शन जो है वो छूट ना जाए और इनकम्प्लीट सेक्शन सा ना लगे. केबल्स भी जो है वो प्रॉपरली थ्रेडेड हैं और आप देखो ये पाइप में, प्लास्टिक के पाइप के अंदर जो है वो रैप्ड है, तो केबल्स कुछ भी नज़र नहीं आ रही. इनफैक्ट कभी कभार आप देखते हो कि यहाँ की जो है इंसुलेशन जो है वो अक्सर मैन्युफैक्चरर छोड़ देते हैं और केबल जो है वो नज़र आती है, बट यहाँ पर सच कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है. यहाँ पर भी हल्की सी लोडिंग लिप तो देखो सेडान में आनी ही है. और कुछ इस तरीके का इसका जो है वो बूट स्पेस आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो. एयरबैग आपको एयरपोर्ट से जो है वो लेके जाना हो सामान वगैरह तो आप इजीली जो है वो इस इतने डिसेंट साइज़ के बूट स्पेस का यूज़ कर सकते हो. काफ़ी सामान इसके अंदर जो है वो एक्चुअल में आ सकता है. अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी बात करूँ इसके टायर साइज़ की, तो एक छोटा टायर साइज़ दिया गया है, यानी कि 175/70 रीडल 14 इंचेस का टायर दिया गया है. स्टील व्हील ही है ये, टॉप वेरिएंट में भी जो है वो आपको किसी भी प्रकार का अलॉय व्हील जो है वो एज स्पेयर पार्ट नहीं मिलता है गाइस, जो कि थोड़ा सा सैड है. कॉस्ट कटिंग हमेशा यहाँ पर जो है वो हर एक मैन्युफैक्चरर अक्सर करती है गाइस. सो चलिए कुछ इस तरीके का तो इसका बूट था वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया. गाइज देखो एक चीज़ मैंने देखी है, स्कोडा अपनी पोर्टफोलियो बदल रहा है कम्प्लीटली. बहुत सारी ऐसी गाड़ियाँ, बहुत सारे एस्पिरेशनल प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है. ऑल दे नीड टू डू इज़ अब अपग्रेड करने हैं अपने प्रोडक्ट्स को, और जो कि वो एक्चुअली में कर रहा है और इसके साथ में भी उसने किया. और प्राइसिंग थोड़ी ऐसी रखनी है जो जेन्युइन बायर्स हैं वो एक बार कॉम्पिटिशन को देख के जो है वो इधर उधर बिचल ना जाए, मचल ना जाए और उनका दिमाग डाइवर्ट ना हो जाए. ऐसे में इसकी प्राइसिंग मुझे सुपर्ब लगी है गाइस, 7.5 लाख रुपए एक्स शोरूम. ये ऑलमोस्ट बस 1.5 लाख रुपए ही महंगी है किसी भी कॉम्पैक्ट सेडान से. अमेज़ की यहाँ बात कर लो, लगभग 6-9 का उसका एक्स शोरूम आता है, या फिर इनफैक्ट मैं 599 के आसपास जो मेरे ख्याल में 589 के आसपास जो है वो यहाँ पे एस्पायर या डिज़ायर जैसी गाड़ियाँ करती हैं. लगभग 1.5 लाख रुपए ही ये महंगी है और आपको एक ज़्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट मिलता है, एक अच्छा इंजन आपको मिलता है, ज़्यादा बेहतर स्पेस उन गाड़ियों से मिलती है. तो प्राइसिंग लिटरली में काफ़ी लेट है और तकरीबन 11.79 के आसपास जो है इसका टॉप एंड पड़ता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे कंपटीशन इसके जो मेजर कंपटीशन है वो फीचर्स में भी और अच्छे इंजन में भी जो है वो कहीं ना कहीं इसको कम्पीट करते हैं, जिनमें से होंडा सिटी भी है. मेरे ख्याल में होंडा सिटी की प्राइसिंग 10 से 10.5 के आसपास जाएगी, उस वे में ये एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट यहाँ पर साबित हो सकता है. आप वर्ना को यहाँ पर देखो 9.3 लाख रुपीज़ से स्टार्ट हो रही है, तो काफ़ी अंतर आ जाता है. तो आप ऑलमोस्ट 1.8 लाख रुपीज़ का यहाँ पर अंतर देख रहे हो इसके कॉम्पिटिशन से. ऐसे में ये बहुत सारे फीचर्स को लैग भी करती है, जैसे कि सनरूफ यहाँ पर नहीं आता है, कनेक्टेड फीचर्स यहाँ पर नहीं आते हैं, वेंटिलेटेड सीट्स यहाँ नहीं आते हैं, और पीछे भी आप देखते हो कि एयरबैग्स जो हैं वो आपको 4 ही दिए गए हैं सेफ्टी के नाम पर. तो कहीं ना कहीं इस प्राइस ब्रैकेट को जो है वो कंपनसेट भी किया गया है. ओवरऑल एक अच्छा प्रोडक्ट है ये, मेरे हिसाब से आप इसको कंसिडर कर सकते हो, एक वर्थ बाइंग है. योर डिसीजन विल नेवर बी अ रिग्रेटेबल डिसीजन एवर. यू कैन बाई दिस, और अगर आपको ख़रीदना है तो नीचे जाके फॉर्म फिलअप करो ना, वाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम. मिलते हैं गाइज एक और नई वीडियो के साथ में. अंटिल फॉर द नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर कार, ड्राइव सेफ.